सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। कोरोना वायरस के भय से जहां पूरे देश में लॉकडाउन की पालना हो रही है, वहीं अभी भी मेहनत मजदूरी करने दूसरे राज्यों व शहरों में गए मजदूर लॉकडाउन के कारण रोजगार के अभाव और रोजी रोटी के संकट के चलते अपने गांव की ओर पैदल ही उनका पलायन करना जारी है। लॉकडाउन को लेकर सील की गई जिले की सीमा पलायथा पर रोजाना बड़ी संख्या में बाहर से मजदूर आ रहे हैं। वहीं तहसीलदार नवनंद सिंह ने बताया कि जिले की सीमा पलायथा पर बाहर से आने वाले मजदूरों को, जिनमें महिला पुरुष के साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, उन्हें बसों से छबड़ा, छिपा, बड़ोद, किशनगंज, श्योपुर सहित एमपी बॉर्डर पर भेजा गया। इससे पूर्व सभी मजदूरों की मेडिकल जांच की गई, वहीं उन्हें भोजन करवा कर बसों में बैठाकर रवाना किया जा रहा है। ज्ञात रहे कि सैकड़ों मजदूर अन्य राज्यों व शहरों से यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान यहां पहुंचने वाले मजदूरों की चिकित्सकीय टीम द्वारा जांच की जा रही है तथा उन्हें खाना खिलाने के बाद बसों से जिले की सीमा व अन्य गांव के लिए भेजा जा रहा है। ज्ञात रहे कि लॉकडाउन के चलते लगभग एक माह से 12 जिले की सीमा को सील कर रखा है। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों को जिले में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बावजूद इसके कई मजदूर व अन्य लोग चोरी छिपे जिले की सीमा में प्रवेश कर जिले वासियों के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे लोग न जांच करा रहे हैं और न ही होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, जो कि स्वयं अपने साथ साथ दूसरों का जीवन भी जोखिम में डालने पर तुले हुए हैं। जिले की सीमा पलायथा नाकाबंदी पर उपखंड अधिकारी गोवर्धन लाल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक जिनेन्द्र जैन, तहसीलदार नवनंद सिंह, विकास अधिकारी मजहर इमाम, थानाधिकारी रूप सिंह अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। वहीं नाकाबंदी पर मौजूद कर्मचारियों को सख्ती के साथ उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्षेत्र अंता में सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हुई है। किसी भी प्रकार की दवाइयों या दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और सभी जो राशन कार्ड से जो गेहूं मिल रहा है वो फ्री में दिया जा रहा है और अप्रैल का गेहूं वितरण किया जा चुका है और मई में दो माह का गेहूं एक साथ फ्री में वितरण किया जाएगा और यहां पर किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नहीं हो रही है। सभी वस्तुएं उचित दामों पर मिल रही है। प्रशासन द्वारा खाने ठहरने की व्यवस्थाएँ माकूल रखी गई है। अंदर पूरे ज़िले के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं, उपखंड है, वहाँ के अगर कोई भी श्रमिक है उनके लिए यातायात की पूरी व्यवस्थाओं के लिए बसों का प्रबंध किया गया है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 12 जिले में कोई भी श्रमिक या विद्यार्थी अपने गंतव्य स्थान तक पैदल नहीं जाता है। यहाँ पर उनको बस के द्वारा नियमित रूप से भेजा जाता है। पानी, छाया और भोजन की पर्याप्त व्यवस्थाएँ हैं। ठहरने के लिए छाया का अच्छा प्रबंध है। पूरा प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ या कोई कष्ट ना हो, इसका भरसक प्रयास पूरे प्रशासन के द्वारा किया जाता है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।